देखेंगे हमारा लेसन फर्स्ट ईयर एट हारो, उसके कुछ इम्पोर्टेंट MCQs। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। इसी तरह से आपको MCQs के ऊपर लिखा हुआ आएगा कि आप A, B, C एंड D में से जो करेक्ट आंसर है उसको चूज़ करें और उस पर निशान लगाइए। तो हमारे पास नंबर वन MCQs है, द सब्जेक्ट्स विच वर डेरेस्ट टू द एग्जामिनर्स वर आलमोस्ट इनवेरिएबल दोस चर्चिल डैश लीस्ट, के वो मजामीन जो मुमतहिनों को ज़्यादा अजीज थे वो बग़ैर किसी रदो बदल के तकरीबन वही थे जिन्हें चर्चिल जो है वो बहुत कम क्या करता था, फेंसीड, यानी कि उन्हें कम पसंद करता था। राइट आंसर है फेंसीड, और राइट आंसर को मैंने जो हर ऑप्शन में से राइट आंसर है मैंने उसको हाईलाइट कर दिया है रेड कलर में। नेक्स्ट MCQs है हमारे पास, द क्वेश्चंस विच द एग्जामिनर आस्क्ड वर आलमोस्ट इनवेरिएबली दोज टू विच चर्चिल वाज अनेबल टू डैश अ सेटिस्फैक्ट्री आंसर, कि वो सवालात जो कि मुमतहिन पूछते थे आमतौर पर वही होते थे जिसका चर्चिल जो है वो एक मुतमईन जवाब क्या अनेबल कासी रहता था सुजेस्ट के तजवीज़ करने से करने में कि सही जवाब तजवीज़ करने से उन वो हमेशा चर्चिल जो है वो कासिर रहते थे, मतलब सही जवाब नहीं दे सकते थे। नंबर थ्री हमारे पास MCQs है, चर्चिल कुड नॉट थिंक ऑफ एनी थिंग डैश विद पेपर दैट वॉज आइदर रिलीवेंट और ट्रू, चर्चिल को जो है ऐसी कोई भी चीज़ क्या नहीं होती थी कनेक्टेड, कि उनको कोई भी ऐसी चीज़ का राबता समझ में नहीं आता था पेपर के साथ कि जो वो पेपर के मुतालिक जो सही हो या सच हो वो लिखें। तो इसका राइट आंसर है कनेक्टेड। नंबर फोर है हमारे पास MCQs, मिस्टर वेल्डन वाज अ मैन डैश ऑफ लुकिंग बीनीथ द सरफेस ऑफ थिंग्स, कि मिस्टर वेल्डन जो कि हेडमास्टर थे हारो स्कूल के वो किस तरह के आदमी थे, कैपेबल, कि वो एक बहुत ही निहायत काबिल आदमी थे जो कि चीज़ों को उनकी सतह से नीचे देखते थे। नंबर फाइव हमारे पास MCQs है, एबल स्टूडेंट्स एट हारो वर टॉट लैटिन एंड डैश, के जो काबिल और लायक तालिब इल्म थे हारो में उन्हें क्या पढ़ाया जाता था, उन्हें लातीनी और ग्रीक यानी कि यूनानी जबान पढ़ाई जाती थी। नेक्स्ट MCQs है हमारे पास, इन लैटिन पेपर चर्चिल स्पेंट थ्री आवर्स इन क्वेश्चन डैश, के लातीनी जबान के पर्चे में चर्चिल ने जो तीन घंटे इम्तिहान के थे वो कौन से सवाल पे ही गुजार दिए, तो उसका आंसर है वन, यानी कि उन्होंने पहले सवाल पे ही तकरीबन तीन घंटे गुजार दिए। नंबर सेवन है हमारे पास, चर्चिल कंटिन्यू इन दिस डैश सिचुएशन फॉर नियरली अ ईयर, कि चर्चिल जो है उन्होंने क्या किया कि इस जो गैर नुमाया सूरत हाल है उसमें रहे, क्या है यहाँ पे कैसी सूरत हाल है, अनप्रीटेंशियस यानी कि गैर नुमाया सूरत हाल में तकरीबन एक साल तक रहे। नेक्स्ट MCQs है हमारे पास, चर्चिल वाज टॉट डैश, कि चर्चिल को हारो स्कूल में क्या पढ़ाया जाता था, इंग्लिश यानी कि उन्हें अंग्रेजी जबान पढ़ाई जाती थी। नंबर नाइन हमारे पास MCQs है, चर्चिल लाइक्ड सब्जेक्ट्स ऑफ हिस्ट्री पोइट्री एंड डैश, कि चर्चिल जो है वो कौन कौन से सब्जेक्ट पसंद करते थे, हिस्ट्री पोइट्री और इसके अलावा राइटिंग एसेज, उन्हें ये सब्जेक्ट्स पसंद थे। नंबर टेन MCQs है हमारे पास, द एग्जामिनर्स वर पार्शियल टू मैथमेटिक्स एंड डैश, के मुमतहिन जो था वो किस चीज़ का जामदार था कि उस इम्तिहान लिया जाए, एक तो रियाजी था और दूसरा था लैटिन यानी के लातीनी जबान में। नंबर इलेवन है हमारे पास, आई हैड स्कार्सली पास्ड माई ट्वेल्थ बर्थडे राइट सिनोनिम ऑफ अंडरलाइन वर्ड, के जो अब उन्होंने अंडरलाइन किया हुआ है जिस तरह या स्कार्सली को कि इसका सिनोनिम यानी कि हम मायनी लफ्ज़ क्या है या इसका मुतरादिफ लफ्ज़ क्या है, तो स्कार्सली का सिनोनिम है हार्डली यानी कि बामुश्किल या मुश्किल से ही। नंबर ट्वेल्व है हमारे पास, द एग्जामिनर्स वर पार्शियल एंड देयर विल प्रिवेल्ड राइट सिनोनिम ऑफ अंडरलाइंड वर्ड, तो अब यहाँ पर वो पूछ रहे हैं कि प्रिवेल्ड का आप सिनोनिम्स यानी कि हम मायनी लफ्ज़ लिखिए, तो प्रिवेल्ड का हम मायनी लफ्ज़ है प्रैक्टिस्ड यानी कि मश्क करना। नंबर थर्टीन है हमारे पास MCQs, चर्चिल एंड अदर बॉयज ऑफ हिस सेक्शन वर कंसिडर्ड सच डैश देवर कुड लर्न ओनली इंग्लिश, के चर्चिल और उनके जो
क्लास के दूसरे बच्चे थे उनके सेक्शन के, वो वर कंसिडर्ड, वो क्या समझे जाते थे, सच डंस के इस तरह वो एक अहमक समझे जाते थे कि वो जो है इतने अहमक और बेवकूफ़ हैं कि वो सिर्फ अंग्रेज़ी ज़बान ही सीख सकते हैं। नंबर 14 एमसीक्यूज़ हमारे पास है, नॉट ओनली डिड चर्चिल लर्न इंग्लिश पार्सिंग थॉरली बट आल्सो डैश कॉन्टीन्यूली इंग्लिश एनालिसिस, कि ना सिर्फ जो चर्चिल ने अंग्रेज़ी ज़बान मुकम्मल तौर पे सीख ली लेकिन उसकी मुसलसल उसका तज़िया करना क्या रखा, प्रैक्टिस, बट आल्सो प्रैक्टिस कॉन्टीन्यूली, कि उसकी जो मश्क है वो बार बार जारी रखी, जिसकी वजह से उन्हें अबूर हासिल हो गया अंग्रेज़ी ज़बान पर। नेक्स्ट है हमारे पास, चर्चिल गॉट इन टू हिज बोन्स द डैश स्ट्रक्चर ऑफ द ऑर्डिनरी ब्रिटिश सेंटेंस, तो इसका राइट आंसर है एसेंशियल यानी कि लाजमी। चर्चिल ने क्या किया, गॉट इन टू बोन्स का मतलब है किसी चीज़ को बहुत अच्छी तरह से सीख लेना। चर्चिल ने अंग्रेज़ी ज़बान का जो स्ट्रक्चर है, जो साख्त है, वो इतनी अच्छे तरीके से सीख ली थी, हर जुमले का उन्होंने स्ट्रक्चर सीख लिया था। लास्ट एमसीक्यूज़ है हमारे पास, हु थॉट इंग्लिश टू चर्चिल इन हारो, कि हारो स्कूल में चर्चिल को अंग्रेज़ी ज़बान कौन पढ़ाता था, तो उनके यानी कि अंग्रेज़ी ज़बान के टीचर का नाम क्या था, तो उसका राइट आंसर है मिस्टर समरवेल। मिस्टर समरवेल जो थे वो चर्चिल के अंग्रेज़ी ज़बान के टीचर थे। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर थे आपके फर्स्ट ईयर एट हारो के कुछ इंपॉर्टेंट MCQs, जो कि आपने इस पे से तैयारी करनी है और ये आपके पेपर में आ सकते हैं।